आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लैंगिक समस्या या सेक्स प्रॉब्लम्स या लैंगिक कमजोरी, सेक्स पावर, ये बहुत ही कॉमनली दिखाई देने वाली प्रॉब्लम्स या बीमारियाँ हमें पता है, और लोग ये बीमारियाँ लेके हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, विजिट्स करते रहते हैं। इसमें मेनली दो प्रॉब्लम्स कॉमन है, और वो है नपुंसकत्व, मतलब लैंगिक कमजोरी, या इम्पोर्टेंस, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और दूसरा है प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन या अर्ली डिस्चार्ज या सेमिना नहीं टिकना या पावर नहीं टिकना। 18 से लेकर 60 साल की उम्र में करीब करीब सभी लोगों को उनके जीवन में कभी ना कभी ये दोनों प्रॉब्लम में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, और उसके लिए वो कंसल्टेशन करते रहते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम, इसके अलावा काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें यह है कि भाई हस्त मिथुन की लत लगना, मतलब ऑब्सेशन फॉर मास्टरबेशन, जिसको हैंड प्रैक्टिस भी बोलते हैं, और लोगों को लगता है कि हस्त मिथुन से बहुत नुकसान हुआ है, डिप्रेशन एंग्जाइटी उससे आना, या नॉक्चर्नल एमिशंस, मतलब नाइट फॉल होना या स्वप्न दोष होना, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गई, कमजोरी आ गई। फिर लोग हमारे पास में आते हैं कि लिंग सिकुड़ गया, लिंग का साइज कम हो गया, लिंग टेढ़ा हो गया। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि भाई हम कोई लेडी से बात करते हैं तो बात करने के समय डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली डिस्चार्ज, गर्लफ्रेंड के साथ में बात करते डिस्चार्ज हो जाता है। होमोसेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम बहुत है, मतलब समलिंगी आ सकती है, या समलिंगी आकर्षण, होमोसेक्सुअलिटी उसको गे बोलते हैं, और यदि लेडीज का, स्त्री स्त्री का आकर्षण होता है तो उसको लेस्बियन बोलते हैं। फिर लोग सेक्स टॉनिक के बारे में, सेक्स टैबलेट्स के बारे में पूछते रहते हैं। प्रायापिज्म, मतलब लिंग की कठोरता कायम रहना, लिंग सिकुड़ना नहीं बाद में, फिर वो होता है। तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। इसमें का जो प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या नपुंसकत्व या लैंगिक कमजोरी आना या लिंग की कठोरता नहीं आना, है सभी एक ही है। ये प्रॉब्लम लेके बहुत सारे लोग आते हैं। इसके दो मेन कारण है, एक है फिजिकल कारण, मतलब शारीरिक कोई बीमारी है उसकी वजह से इम्पोर्टेंस आ रहा है, नपुंसकत्व आ रहा है, और दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण जिसकी वजह से ये नपुंसकत्व आया हुआ है। शारीरिक कारण जो है, जिसमें डायबिटीज, शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है, डायबिटीज के अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन, उसके लिए दवाइयाँ, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, मोटापा, ओबेसिटी, हार्मोन का इम्बैलेंस, मेडिसिंस चालू है कोई तो उसका साइड इफेक्ट, साइकेट्रिक बीमारी है उसका साइड इफेक्ट, या उसमें नपुंसकत्व आना, ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं कि जिसके वजह से इम्पोर्टेंस होता है। तो यह शारीरिक कारण। काफ़ी सारे मानसिक कारण रहते हैं, और मानसिक कारण में स्ट्रेस है, तनाव है, पति पत्नी का न पटना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, मतलब मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा इसके बारे में बहुत टेंशन, या फिर हस्त मैथुन हुआ है इसलिए कभी कमजोरी आ गई, या बहुत नाइटफॉल हो गया इसकी वजह से कमजोरी आ गई, और वो मन में एक बिलीफ और उसके वजह से कमजोरी आना, या पहले कभी तभी फेल हो गए तो अभी टेंशन आ रहा है, अभी नपुंसकत्व आ गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। शारीरिक रीजन में स्मोकिंग है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जिससे भी प्रॉब्लम्स नपुंसकत्व आते रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब ये प्राइमरी हो सकता है, मतलब पहले से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पहले से कभी इरेक्शन हुआ ही नहीं है, या सेकेंडरी है, पहले हुआ था और अभी नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाला है कि भाई पहले से इरेक्शन हुआ ही नहीं तो ये क्यों नहीं हुआ, शारीरिक है कि मानसिक है, वो देखना पड़ता है। पहले शारीरिक कारण निकालना पड़ता है कि भाई शारीरिक कारण है क्या, और वो शारीरिक कारण निकाल लिया, कोई शारीरिक बीमारी है क्या, उसका एक्सक्लूजन कर दिया, बाद में फिर हम जाएंगे मानसिक कारण की तरफ। बहुत सिंपल उसकी टेस्ट है कि यदि रात में इरेक्शन आपको आता है, या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन यदि आते हैं, इसका मतलब है मेनली ये साइकोलॉजिकल कारण है कि जिसकी वजह से अभी आपको नपुंसकत्व आया हुआ है। अभी इसके लिए दवाइयां हैं, मेडिसिंस, और दवाइयां आप लेते हैं तो उससे इरेक्शन आ जाता है। तो दवाइयों में सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवानाफिल, ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन जो भी नई निकली एलोपैथी में, आयुर्वेदिक भी काफ़ी दवाइयाँ हैं कि जिसकी वजह से फ़ायदा होता है, एल अर्जिनिन भी काम में आता है,
तो ये दवाइयां आप लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता है। यदि इसका कारण साइकोलॉजिकल है तो फिर मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, साइकोथेरेपी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो उसकी कुछ दवाई, मेडिसिन टेंशन कम करने की, तो ये भी कारण हो सकते हैं और जिसके वजह से हमें साइकोजेनिक इंपोर्टेंस में फायदा होता है। कारण कुछ भी रहो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण मानसिक रहो या या फिजिकल रहो, उसका इलाज करना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लो टेस्टोस्टेरोन हो सकते हैं लेवल, और वो लो टेस्टोस्टेरोन के कारण भी इच्छाएं कम होती है। 18 से 25 साल या 18 से 30 साल तक बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, बाद में धीरे धीरे उम्र के हिसाब से इच्छाएं कम होते जाती है। तो इसका हम यदि सही इलाज करते हैं तो ये कम्प्लीटली अच्छी होने वाली बीमारी है। दूसरा हम छेड़ेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बीमारी को। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब अर्ली डिस्चार्ज, शीघ्र पतन, स्टेमिना नहीं टिकना, सेक्स पावर नहीं टिकना, संतुष्टि नहीं होना या जल्दी ऑर्गेजम हो जाना। अब ये मोस्ट प्रोबेबली ये मानसिक है, मेजॉरिटी केसेस में ये मानसिक कारण ही होता है। और उसके कारण है कि शुरू में कभी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ा है, या कोई आ जाएगा और वो धौस से, वो डर से जल्दी करना पड़ा, जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ा, या बच्चे उड़ गए, या कुछ डर बैठा हुआ है, बहुत टेंशन है, बहुत दिन का गैप पड़ा हुआ है, नए व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत कारण होते हैं कि जिसके वजह से एक अर्ली डिस्चार्ज की हैबिट बन जाती है। कुछ लोगों को हस्तमैथुन करने के समय जल्दी गिराने की आदत होती है, क्योंकि हस्तमैथुन जब करते हैं तो लेटरिन में जाके करना हस्तमैथुन, या बाथरूम में करना, या प्राइवेसी नहीं होना, तो उसमें वो जल्दी हस्तमैथुन करके जल्दी डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो उसकी बाद में फिर आदत बन जाती है, तो वो कारण से भी लोगों को प्रॉब्लम होते हैं। अभी इसका इलाज जो है तो उसके लिए मेडिसिन है कि जो मेडिसिन से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है वो कम कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज है, साइकोथेरेपी है, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, स्टॉप स्क्वीज एंड स्टार्ट टेक्निक है, फिर रिवर्स काउंटिंग टेक्निक है, पेनाइल रिंग्स है, ऐसे काफ़ी सारे इलाज उसके भी होते हैं। लोग हमें उसके लिए कॉन्टैक्ट करते रहते हैं और अपना इलाज करवा के लेते हैं। इसके अलावा फिर लोगों को हस्तमैथुन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि हस्तमैथुन मैंने बहुत किया हुआ है और हस्तमैथुन से मुझे कमजोरी आई हुई है, हस्तमैथुन में मैंने बहुत वीर्यपात किया हुआ है, और उसके वजह से लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी आती है। हस्तमैथुन के लोगों को लत भी है, ऑब्सेशन भी है। मतलब मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं कि जो दिन में 5-5, 10-10 बार हस्तमैथुन करते हैं, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती करने की, मगर उनको करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में वो परिवर्तित हुआ है, उनको बिल्कुल ही मजा नहीं आ रही, और इतने बार हस्तमैथुन करने के बाद में लिंग को जख्म भी हो जाती है, करना ही पड़ता है, उनको जख्म हुआ है तभी भी करना पड़ता है, और फिर उसका ऑब्सेशन का भी इलाज करना पड़ता है, ऑब्सेशन कंपल्शन उनको है तो उसका इलाज करना पड़ता है। हस्तमैथुन पर से जो है उससे कोई नुकसान होता नहीं, हस्तमैथुन कितने भी बार कर सकते हैं, हस्तमैथुन नॉर्मल है, हस्तमैथुन पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करती है। अनेक अलग और एक प्रॉब्लम है वो है नाइट फॉल का, स्वप्न दोष, नॉक्चर्नल एमिशन, काफ़ी लोगों को होता है, उसे लोग परेशान है, एक्चुअली वो नॉर्मल है, उसमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नाइट फॉल में वीर्य जाना एकदम नॉर्मल चीज़ है, उससे कोई कमजोरी आती नहीं, वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं, मगर उसमें भी लोग परेशान है कि मैं बहुत वीर्य कमा रहा हूँ और उससे मुझे कमजोरी आई हुई है, उसके वजह से भी मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। हालांकि नपुंसकत्व उससे आता नहीं है, नाइटफॉल ये एकदम नॉर्मल है। नाइटफॉल में जाया हुआ वीर्य नाश या हुआ वीर्य नाश, हाथ से किया हुआ वीर्य नाश, और सेक्स में किया हुआ वीर्य नाश, अल्टीमेटली सब सरीके है, उसमें कोई अलग नहीं है, और उससे किसी से भी कमजोरी आती नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई वीर्य जो है हमने वो एक स्टॉक करके रखा हुआ है, और वो स्टॉक करके रखा हुआ वीर्य धीरे 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 थोड़ा थोड़ा वापरना पड़ता है, और वो यदि स्टॉक खत्म हो गया तो फिर आगे चल के कैसा होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वीर्य रोज तैयार होता है, और रोज तैयार होऊंगा तो उसका स्टॉक कभी खत्म होता नहीं है। वीर्य लार जैसा है, लार जो है मुंह की सलाइवा, उसके जैसा, कितना भी मैंने थूक लिया तभी लार फिर से तैयार होती है, वैसा वीर्य का है। हाँ, लो टेस्टोस्टेरोन पहले से ही है, या आपको एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हो सकता है कि आपको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार ही नहीं हुए। मतलब मूछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, काक में बाल नहीं है, लिंग का साइज भी पहले से ही छोटा है, तो फिर प्रॉब्लम है, उसका इलाज करना पड़ेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। वैसा लिंग का साइज लेके बहुत हमारे पास में लोग आते रहते हैं, 1 इंच से कम लिंग का साइज या लंबाई नहीं होना चाहिए, और गोलाई भी 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए,
यदि वो 1 इंच से कम होती है लिंग की गोलाई या लिंग की लंबाई, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इरेक्शन होने के बाद में लिंग की लंबाई जो है वो 3 से 7 इंच तक हो सकती है, एवरेज 4-5 इंच रहती है, गोलाई भी एवरेज 4-5 इंच रहती है और वो नॉर्मल है। वीर्य कितना भी गया तो भी उसमें नुकसान नहीं है जैसा मैंने बताया, मगर कई लोग बोलते कि नहीं वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, 1 बूंद का वीर्य मतलब 1 बूंद वीर्य का है जो है वो 80 बूंद के खून के बराबरी का है, और वीर्य नाश किया तो इतना खून चले गया, बहुत ताकत जा रही है। तो ये बिलीफ जिनका है वो वैसे ही डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लोग जो है वो होमोसेक्सुअल्स है, मतलब उनको लड़का लड़के मतलब गे है, मेल मेल अट्रैक्शन है, या लड़की लड़की का अट्रैक्शन है, फीमेल फीमेल अट्रैक्शन है। अब जो मेल मेल अट्रैक्शन है होमोसेक्सुअल से या गे है, तो उनके मेनली 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार ऐसा है कि उनको वही अच्छा लगता है और वो उसमें खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बदलना भी नहीं है, उनको शादी भी करना नहीं लड़की के साथ में, और वो बराबर अपने अपने कम्युनिटी में रहते हैं, मेल मेल वो सेक्स करते रहते हैं और उनका अच्छा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो पार्ट है, जो मेल होमोसेक्सुअल है मगर अभी उनको बदलने का है, उनको वो अच्छा नहीं लगता, उनको शादी करनी है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने शादी करके संसार करना चाहिए, स्त्री के साथ में फैमिली बसाना चाहिए, और फिर घर से भी बहुत फोर्स होता है, तो उनको लगता है अभी मैंने ये छोड़ना चाहिए। तो जब जिनको इच्छा है ऐसी कि अपना ओरिएंटेशन बदलना है, तो उनका ओरिएंटेशन बदलने में हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बार बार उनको जो विचार आते हैं होमोसेक्सुअलिटी के, उसके लिए अपन कुछ दवाई दे सकते हैं, उनको हम काउंसिलिंग करते हैं, उनको हम हिप्नोथेरेपी करके उनका इलाज करते हैं। कुछ लोग बायसेक्सुअल रहते हैं, मतलब उनका होमो भी है, मतलब अट्रैक्शन मेल के तरफ भी है और फीमेल के तरफ भी है, और वो दोनों भी मतलब सेक्स शादी भी करते रहते हैं, पत्नी के साथ में करते रहते सेक्स, और उधर उनके होमोसेक्सुअल रिलेशंस भी रहते हैं। तो उसमें भी वही 2 प्रकार है कि जो उनको अच्छा लगता है या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिनको अच्छा नहीं लगता है तो उनको हम हिप्नोथेरेपी करके, दवाइयाँ देके, उनके विचारधारा बदल के, उनका ब्रेन पैटर्न जो है वो हम बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि भाई मेरा शादी के बाद में होगा कि नहीं होगा, और वो बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा है, और वो बोलते कि नहीं मैं पहले मैंने सक्सेसफुली करना चाहिए, और वो करने के बाद में यदि मैं सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैं शादी करूंगा। अभी ऐसा है कि ये टर्म्स कंडीशन में होता नहीं है, क्योंकि जब आप, मैं उनको बोलता हूँ कि जब आप जाएंगे सेक्स करने के लिए और जब आप टेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो दिमाग में क्या रहेगा, मेरे को टेस्ट करना है, नहीं जमा तो आपका दिमाग जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी दिमाग में विचार है जम गया तो, नहीं जमा तो एक्साइटमेंट होगा ही नहीं, और एक्साइटमेंट हुआ नहीं तो इरेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि इरेक्शन के लिए 2 मेन पार्ट है। एक तो दिमाग में एक्साइटमेंट आना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, लिबिडो होना चाहिए, और वो होने के बाद में भी इरेक्शन आएगा ऐसी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्साइटमेंट है, यहाँ लिबिडो है, यहाँ डिजायर है, मगर पेनिस में, ऑर्गन में, सेक्सुअल ऑर्गन में यदि ब्लड का फ्लो अंदर घुसता नहीं है, अंदर जाता नहीं है, तो इरेक्शन आएगा नहीं। तो दोनों चीज जरूरी है कि एक्साइटमेंट भी है, और एक्साइटमेंट आने के बाद में पेनिस में ब्लड का फ्लो अंदर जाना जरूरी है, कम से कम 100 ml से लेकर 200 ml तक अंदर ब्लड जाना जरूरी है, और वो यदि ब्लड नहीं जाता है तो प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज में होता है, जो ओबेसिटी में, स्मोकिंग में, हाइपरटेंशन में होता है, कि उनकी इच्छा तो बहुत होती है मगर अंदर ब्लड नहीं जाता। क्या होता है कि जब एक्साइटमेंट होता है तो वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है, यहाँ की खून की नलियां जो है वो बढ़ जाती है साइज से, और वो जब बढ़ जाती है, मोटी होती है, तो अंदर ब्लड घुसता है, उससे फिर इरेक्शन आता है, उससे कठोरता आती है। अभी यहाँ एक्साइटमेंट नहीं है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होगा नहीं, खून की नलियां बड़ी नहीं होंगी, और अंदर जाएंगे ही नहीं, कुछ ब्लड नहीं गया तो इरेक्शन नहीं होगा। अभी सेक्स टॉनिक की जो टैबलेट है वो टैबलेट भी उसके लिए जरूरी है कि एक्साइटमेंट होना, एक्साइटमेंट होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टिमुलेशन होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड का ज्यादा समय तक एक्शन होना चाहिए, इसके लिए सेक्स टॉनिक की गोली काम करती है। तो सेक्स टॉनिक में जो गोलियां लेते हैं लोग वो काउंटर पे लेते हैं, अपने मर्जी से लेते हैं, जिसमें बहुत कॉमन और पॉपुलर जो है वो सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल अपने मन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है,
सिल्डेनाफिल 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम ऐसी मात्रा में आती है। टाडालाफिल जो है वो 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम की मात्रा में आती है। टाडालाफिल के कम साइड इफेक्ट है एज कम्पेयर टू सिल्डेनाफिल। और ये जो साइड इफेक्ट है वो मद्देनजर रखते हुए जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, जिनको आंखों का प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी है, उन्होंने तो ये गोली नहीं लेना चाहिए। हाँ, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में ये गोली काम में आती है, क्योंकि डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी है, उसमें क्या होता है कि खून की जो नलियाँ हैं वो मोटी नहीं होती, इच्छा बहुत है मोटी नहीं होती, और वो मोटी नहीं होती वो सिकुड़ गई है या अंदर का अस्तर जो है वो मोटा हो गया है, तो खून लिंग में जाता नहीं है, और फिर खून यदि लिंग में गया नहीं तो फिर इरेक्शन नहीं आता, तो इसके लिए ये गोली काम में आती है। मगर ये ओवर द काउंटर सेल नहीं लेना चाहिए, मतलब सेल करके नहीं लेना चाहिए, लोगों ने नहीं देना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह ले लो। अभी इसके अलावा मेडिसिन तो है, मगर साइकोथेरेपी लेना जरूरी है या सेक्स थेरेपी लेना जरूरी है, वो कैसा? क्योंकि आपने यदि सेक्स हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं किया तो गोली लेके फायदा नहीं है। सेक्स हाइजीन में क्या है? अब सेक्स हाइजीन में आपको ये देखना है कि आप बॉडीली फिट है कि नहीं। देखो, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में है या डायबिटीज नहीं होना चाहिए इसलिए आप रेगुलर एक्सरसाइज ले रहे हैं, मीठा कम खा रहे हैं, खाने में वेजिटेबल्स ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की कम से कम गोली खा रहे हैं, या वो गोली खा रहे हैं कि जो गोली से साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत कम है, तो ऐसे आप गोली खा रहे हैं। फिर ओबेसिटी है कि भाई वजन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है पेट के ऊपर यदि फैट है तो लोगों को लगता है कि नहीं अपना लिंग का साइज कम हो चुका है, क्योंकि फैट ही इतना ज़्यादा है कि उनको लिंग दिखता ही नहीं, लिंग जैसा अंदर चलेगा ऐसा लगता है, तो वो हमको देखना है कि भाई ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर स्मोकिंग है, अल्कोहल लेना, तो ये जो है ये चीज़ें बहुत तकलीफ वाली होती है, क्योंकि क्या होता है अल्कोहल लेके या स्मोकिंग करके आप पत्नी के पास में जाते हो तो पत्नी उसका हेट करती है। अच्छा, अभी इसमें ये सेक्स हाइजीन है तो इसके मतलब सेक्स करने के पहले आप रूम फ्रेश रखते हो, रूम फ्रेशनर रखते हो, फिर बेड के ऊपर ऐसे जाते हो कि जैसे कोई शादी को जा रहे हो, तो सेक्स को आप जा रहे हो तो जैसे कोई शादी को जा रहे हो, ऐसे आप सज धज के जा रहे हो। नहीं तो लोग क्या है कि मले कपड़े हैं, मतलब मैले कपड़े हैं, बास आ रहा है पसीने का, तो आप स्नान करके जा रहे हो, बॉडी फ्रेशनर, रूम में फ्रेशनर है, बेड नीट एंड क्लीन है ना, तो इस तरह का आप मतलब करते हो कि भाई प्राइवेट पार्ट साफ सफाई करके जाते हो, तो आपको कभी भी अच्छा लगेगा। ये सेक्स करने के पहले 2-3 घंटे जरा अच्छी बातें करना, या झगड़ा झंझट नहीं करना, डिबेट नहीं करना, स्ट्रेस नहीं होना है, खाना कम खाने का है, तो इस तरह से आप सेक्स करते हैं तो सेक्स बहुत ही पावरफुल और अच्छा। सेक्स में होता क्या है, सेक्स में पुरुष को सेक्स करने में इंटरेस्ट है, मतलब योनि में लिंग का प्रवेश करना और एक्चुअली सेक्स करना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पुरुष को रहता है। स्त्री को उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता नहीं, स्त्री को इंटरेस्ट रहता है प्यार की बातें करो, उसको अच्छा बोलो, उसके साथ में बातचीत करके उसको स्टिम्युलेट करो, उसको मसाज करो, उसको टेंस करो, ये करना है। और फोर प्ले में और आफ्टर प्ले में स्त्री को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, फोर प्ले और आफ्टर। फोर प्ले में आप 5-10-15 मिनट फोर प्ले करते हो, काम क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, और आफ्टर प्ले में भी आप वो करते हो काम क्रीड़ा ज्यादा, तो उसमें स्त्री को एक ज्यादा इंटरेस्ट आता है। यदि स्त्री की तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि आप यदि डायरेक्टली सेक्स करना चालू करते हैं तो चांसेस ये है कि स्त्री की कामपूर्ति होंगी नहीं, स्त्री को ऑर्गेजम होगा नहीं, और स्त्री को ऑर्गेजम यदि नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम वो तैयार नहीं रहेंगे, नेक्स्ट टाइम वो ना बोलेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई अपना पुरुष आता है, कुछ करता है, चले जाता है, अपने तो मजा ही नहीं आती। तो हमको देखना है कि स्त्री की संतुष्टि होना जरूरी है, और स्त्री की संतुष्टि पहले होना जरूरी है, क्योंकि यदि पुरुष संतुष्टि हो गई तो वो तुरंत बाजू हो जाता है। स्त्री को भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसा इंटरेस्ट नहीं सेक्स में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में ऐसा है कि नहीं, स्त्री ने खुद होकर कुछ बोलना नहीं चाहिए, सेक्स के बारे में चर्चा करना नहीं चाहिए। फिर हमारे देश में अज्ञान इतना है कि लोगों को लगता है कि नहीं सेक्स मतलब फिर सिर्फ बच्चा करने की मशीन है, 2 बच्चे हो गए अब क्यों सेक्स करना है, या लैंगिक अत्याचार हुआ है, वो बचपन में लैंगिक अत्याचार हुआ है, उसको एब्यूज किया गया है, कोई बड़े पुरुष ने उसके ऊपर कोई अत्याचार किया हुआ है, उसका गलत फायदा उठाया है, उसको बहुत डर बैठा हुआ है, घर में बहुत ही ज़्यादा सेक्स के बारे में एक ऐसी एक सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, तो घृणा वाली बात है, सेक्स मतलब बेकार, सेक्स मतलब गंदा, ऐसे संस्कार हो चुके हैं। तो फिर एक लड़की को शादी के बाद में भी सेक्स के बारे में कुछ इंटरेस्ट रहता नहीं है, और फिर होता क्या है कि फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है,
और पति को बहुत इंटरेस्ट है, वो ना बोलती है तो फिर बहुत झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। वैसे पुरुष का है कि स्त्री अच्छे वातावरण से आई है, वो एकदम फ्री है, फ्रैंक है सेक्स के बारे में, मगर लड़का ऐसे वातावरण से आया हुआ है कि जिसने जिसको पहले सेक्स एब्यूज हुआ है उसके ऊपर भी लैंगिक अत्याचार हुआ है, वो ऐसे घर से आया हुआ है कि जिसमें सेक्स मतलब गंदा, सेक्स मतलब बुरा, बहुत रिलीजियस वातावरण है जिसमें सेक्स के बारे में बात नहीं कुछ बोले जाती है, तो सेक्स मतलब एकदम गंदगी जैसा है। माँ बाप का सेक्स देखना जिसको प्राइमल सीन बोलते हैं वो क्या हुआ है, तो फिर ऐसे इसमें लड़के को भी सेक्स में इंटरेस्ट रहता नहीं है, उसका इरेक्शन नहीं होता सब नॉर्मल होने के बावजूद भी। फिर ऐसे लोगों को यदि पति है या पत्नी है उनको हमको सेक्स थेरेपी करनी पड़ती है और उनके दिमाग में बचपन के क्या शॉट बैठे हुए ऐसे वो निकालना पड़ता है, कहाँ अटके हुए क्या बैरियर्स है वो उनके निकालना पड़ता है जिससे हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ट्रीटमेंट में करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपीज है, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है, आरईबीटी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं। हिप्नोथेरेपी हम लोगों को विजुअलाइजेशन करने लगाते हैं कि विजुअलाइज करो, इमेजिन करो सेक्स के बारे में, और वे भी करते हैं तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होते रहता है। फिर लोग ये लेके आते हैं कि उनको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तैयार हो जाती है। उसका मेन कारण ये है कि एक तो घर में जितना शांति समाधानी संतुष्टि होना चाहिए उतनी होती नहीं है, नंबर एक, क्योंकि वो औरत को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कुछ ना कुछ बीमारी है और कुछ बीमारी है उसके वजह से वो कोऑपरेट नहीं करती है, या उसने कभी अच्छे सेक्स का, अच्छी संतुष्टि का अनुभव नहीं किया हुआ है, या फिर बोर्डम आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बोर्डम। तो इसलिए हम फिर बोलते हैं कि नहीं, अलग अलग पोजिशंस आप कर सकते हैं, जितने दिन है उतने आसन है। मेरे कहीं वीडियो है कि भाई महिलाओं को कौन से पोजीशंस अच्छी लगती है, अलग अलग पोजीशंस में आप सेक्स करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होते रहता है। फिर लोग बोलते हैं क्या समझो उसकी पत्नी सेक्स के लिए तैयार नहीं है, इच्छा हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए। हम उसमें बोलते हैं कि नहीं, मास्टर्बेशन ये नॉर्मल बात है, आप कर सकते हैं। लोगों का ऐसा होता है कि मास्टर्बेशन कब करना चाहिए, मास्टर्बेशन आप कभी भी कर सकते हो, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी करे तो कर ही सकते हैं क्योंकि मास्टर्बेशन करना, हस्तमैथुन करना सेक्स का एक चैनल निर्माण करने का, एक चैनलाइज करना सेक्स की एनर्जी को एक अच्छा माध्यम है, उसमें कुछ भी नुकसान होता नहीं है। शादी के बाद में भी लोग हस्तमैथुन करते हैं क्योंकि पत्नी कहीं बाहर गाँव गई है, मायके गई है, प्रेगनेंसी है उसके कारण नहीं सेक्स हो रहा है, डिलीवरी हो गई है, या उसको कोई बीमारी है, तो ऐसे कोई कारण रहे तो फिर हस्तमैथुन करना ये एक पर्याय कुछ दिन के लिए आदमी के सामने रहता है। हस्तमैथुन का नुकसान होता नहीं है, लिंग सिकुड़ता नहीं है, लिंग टेढ़ा होता नहीं है, लिंग में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, और एक वो नॉर्मल प्रक्रिया है। ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु है, ये बोलना ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉक्चर्नल एमिशन मतलब सपने में वीर्यपात होना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो तो नॉर्मल है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या स्त्री ने हस्तमैथुन करना चाहिए, स्त्री भी हस्तमैथुन करती है। स्त्री भी यदि शादी हुई नहीं है उसकी, तो ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि 50-60% लेडीज हस्तमैथुन करती है। जैसे जेंट्स में ऐसा पाया गया है कि 80-90% पुरुष शादी के पहले हस्तमैथुन करते हैं, तो स्त्री ने भी हस्तमैथुन करना ये नॉर्मल है। स्त्री हस्तमैथुन करती है वो उंगली से करती रहती है, उनको कोई सेक्स टॉयज है जिसके हस्तमैथुन वो करती रहती है। फोरप्ले में देखना जरूरी है कि स्त्री का फोरप्ले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और फोरप्ले में उसकी कामोतृप्ति होनी चाहिए, और स्त्री की कामोतृप्ति जो है वो लिंग का योनि में प्रवेश करने से होती नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा, वो तो होती है मगर उससे कई गुना ज़्यादा क्लाइटोरिस नाम का जो छोटा सा ऑर्गन रहता है उसके स्टिमुलेशन से, उसके टिकलिंग से, एक्साइटमेंट से होते रहती है। तो वो करना जरूरी है जिससे स्त्री को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगी, उसको कामोपूर्ति का आनंद मिलेगा, उसको ऑर्गेजम होगा और सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा। हमारा जो चैनल है सेक्स एंड मानस चैनल है या सेक्स एजुकेशन चैनल है, ये चैनल मेनली लोगों का सेक्स एजुकेशन करने के लिए ही है। क्या है कि हमारे देश में काफ़ी लोगों को इसके बारे में बहुत ही अनजान मतलब लोग हैं, उनको अज्ञान है, उनको समझता नहीं है। हमारे देश में ऐसा है कि सेक्स के बारे में लोग खुल के बातचीत नहीं करते, तो फिर लोगों का ज़्यादा ख्याल कहाँ रहता है, ज़्यादा ख्याल रहता है कि अखबार में जो विज्ञापन आते हैं कि भाई ये सांड का तेल है, घोड़े का तेल है, घोड़ी का तेल है, या बैल का तेल है, बैल का चित्र वाले गोलियां मिलती है, और उसमें फिर बहुत लूटपाट होती रहती है।
तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे कोई बैल का सांड का चित्र वाली गोलियां लेके फायदा होते नहीं, और होगा भी तभी वो गोली से कुछ नहीं होता है। गोली खा के अभी मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा और मैं अभी कर सकूंगा, ये विश्वास या आत्मविश्वास पैदा होता है और वहां से उसको वो परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो होता नहीं। ये गोलियों में स्टीरॉयड रहते हैं, ये गोली में सिल्डेनाफिल की टैबलेट रहती है, और ये गोली में वही टैबलेट जो एलोपैथी में वैसी ओवर द काउंटर मिलती है। इंजेक्शन पेपेवेरिन और इंजेक्शन फेंटोलामिन, ये इंजेक्शन ऐसे है कि वो इंजेक्शन डायरेक्टली पेनिस में देते हैं और जिसके वजह से इरेक्शन आता है। तो समझो गोली काम नहीं करती है तो डायरेक्टली पेनिस में इंजेक्शन देते हैं। ये सब करने के बावजूद भी फायदा नहीं होता है तो फिर पेनाइल इम्प्लांट्स है, मतलब आर्टिफिशियल पेनिस, देशी या विदेशी, आप इम्प्लांट कर सकते हैं जिसमें आपको सेक्स का मजा या सेक्स का अनुभव अच्छा आ सकता है। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आज आपसे की, इसके बारे में आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके डॉक्टर से सलाह लो, सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह लो। गलत विज्ञापन पढ़ना, काफ़ी सारे मशीन्स के विज्ञापन आते रहते हैं और मशीन्स लोग बेचते रहते हैं, और वो मशीन्स में आप वो आपको बोलते हैं कि आप मशीन के लिए 3,000 रुपये भेजो, 5,000 रुपये भेजो, आप उनको पैसे भेजते हैं तो एक कुछ तो भी मशीन आती है, कुछ तो भी पुड़ियाँ आती है जिसमें कोई पाउडर रहती है, पता नहीं कौन सी पाउडर है, और अब को फिर ऐसा अनुभव होता है कि हम फंसे हुए फंस गए। तो ऐसा कृपया मत करना, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाके आप आपका इलाज करो। हमारा जो सेक्स एंड मानस चैनल जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे सेक्स के वीडियोज है, और सेक्स एजुकेशन का चैनल उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सेक्स के वीडियोज है, वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है मेन चैनल डॉक्टर दीपक केळकर, अभी आप यूट्यूब पे जाते हैं डॉक्टर दीपक केळकर तो वो मिक्स चैनल है जिसमें साइकेट्री के वीडियो है, मतलब मानसिक बीमारी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज है। तो वो भी चैनल आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। हमारे हॉस्पिटल जो है अकोला में, वो हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ बहुत हिंसक पेशेंट, मारामारी, हमारे हॉस्पिटल में हिंसा करने वाले, मारतोड़ मारपीट करने वाले पेशेंट, अनकंट्रोल पेशेंट को लेके आते हैं, एकदम पागल हुआ है, उनको हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं, हम रिश्तेदारों के साथ में उनको भर्ती करते हैं, जो रिश्तेदार हमारे यहाँ रह नहीं सकते हैं उनको रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करने के लिए अलग हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप उनको भर्ती करते हैं। जो पेशेंट को घर में रखने के लिए प्रॉब्लम है कि घर में रख सकते नहीं, छोटा मकान है, बहुत वायलेंट हो जाता है, पागल जैसा करता है, घर में रखना मुश्किल है, तो उनको भी हमारे यहाँ रखते हैं। जो लोगों को शराब की आदत है, नशा है, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, अफीम, इनकी नशा है, मंदबुद्धि के लोग हैं जो घर में रखना मुश्किल है, या ऐसे मेंटली पेशेंट्स हैं कि जिनको आपको घर में रख के आप बाहर गांव नहीं जा सकते, तो हम कुछ दिन के लिए भी उनको हमारे यहाँ भर्ती रखते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको डिमेंशिया हुआ है कि भाई उनको मालूम ही नहीं है हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे है, भुलक्कड़पना है, लोगों को पहचानते नहीं है, जगह को पहचानते नहीं है, तारीख वार कुछ पता नहीं है, कहीं भी वो कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमारे यहाँ भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। अब हमारे जो सर्विस है उसका जरूर फायदा लो। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। तो आप हमारे पार्टनर्स इसके इसमें बनिएगा ताकि हम आपके साथ में हमारे देश को एक व्यसन मुक्त भारत, व्यसन मुक्त देश बनाना है, और टेंशन मुक्त देश कि लोगों को कोई मानसिक बीमारी रहेंगी नहीं, लोग खुशहाल रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, पावरफुल रहेंगे और अपना जीवन जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।